वेलकम टू डिफेंस क्लासेस दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर वन। देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने निकल गया था, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं कहलाती हैं। दोस्तों, इसका चार ऑप्शन हमको दिया हुआ है, इसमें देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा। का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि कंटूर। का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कंटूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, समान वर्षा होने पर वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है, यानी कि जब समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आइसो हाइट। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसो हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएँ कहलाती हैं। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोपाइनिक्स। आइसोपाइनिक्स दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके एनडीए और एयरफोर्स से उठाए गए क्वेश्चन है, ये आपके एनडीए और एयरफोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, फोर्थ नंबर, महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोस्कैलन। ठीक है, आइसोस्कैलन का हमारा जो राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, समान मेघांक्षता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। समान मेघांक्षता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोसोनेफ। का जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोसोनेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, सिक्स नंबर, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोसोगनल। आइसोसोगनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, सेवंथ नंबर, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएँ कहलाती हैं। दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, आइसोधर्म। इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, एट नंबर, आइसो बार मानचित्र पर उन स्थानों को दर्शाने के लिए खींची गई रेखाएं हैं जहां पर। इसका हमको एक करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एनडीए में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, एक ऐसा वायुमंडलीय दाब है, यानी कि जो आइसोबार होता है वो क्या है, एक वायुमंडलीय दाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, नाइन्थ नंबर, आइसोसोहेल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइसोसोहेल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी किस चीज़ को आइसोसोहेल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी समान धूप को। समान धूप को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग आइसोसोहेल रेखाओं का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, टेंथ नंबर, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कोसी स्मल लाइन्स। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी स्मल लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। दोस्तों, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आइसोसोबात। इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोसोबात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, सूर्य तप के समान अवधि वाले समान स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। दोस्तों, इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोसोहेल। ठीक है, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोसोहेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आपको जो है जीके का भी एक डेली करवाया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों, इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोसोनिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों, इसका जो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोग्लास। इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोग्लास। भूकंपीय तीव्रता को समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों, हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोसोस्मिल। इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोसोस्मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, 17 नंबर, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, यानी कि भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों, इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, होमोस्मल। इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, होमोस्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, 18 नंबर,
महासागरों और सागरों की लवणता को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? दोस्तों इसका जमा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जमा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोसोहे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 19 नंबर, आइसोसोबात रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जमा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को, समुद्र तल के समान गहराई वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? दोस्तों इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है ये। समोच्च रेखाएं वो रेखाएं होती जो समुद्र तल से समान ऊंचाई, मतलब कभी है जब हम लोग स्थल से समुद्र की ऊंचाई को नापते हैं, मतलब जब जहाँ पे वाटर लेवल होता है समुद्र का सी का, उससे जब हम लोग ऊपर की चीज़ों यानी जो हमारा लेवल होता है अर्थ का लेवल होता है उसकी दूरी को नापते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समोच्च रेखाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना 21 नंबर, मानचित्र पर आइसोसोहेड्स रेखाओं द्वारा निम्न में से किसका प्रदर्शन किया जाता है? दोस्तों इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये आपके 21 क्वेश्चन थे जो कि आपके एयरफोर्स यानी कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए, नेवी SSR AA के लिए और NDA के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो GK का पार्ट वन आज से आप लोगों के लिए शुरू किया, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आपका हिस्ट्री का अलग से होगा, यानी डेली आपका 25 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री का अलग से मिलेगा, ज्योग्राफी का अलग से मिलेगा और आपको GK का अलग मिलेगा, और करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे डेली आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दोस्तों तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में आप लोग इसको शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।